हेलो गाइस, वेलकम टू मिल्लती क्लासेस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? जल्दी से आ जाएंगे सभी स्टूडेंट्स लाइव और उसके बाद हम लोग अपना सेशन शुरू करेंगे। ओके भाई, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हैं सभी लोग? कैसे हैं? अच्छे हैं सभी लोग? चलिए भाई, आप सभी का वेलकम है, तो चीज़ें जल्दी से हम शुरू करते हैं। ओके भाई बहादुर, वेलकम फ्रेंड्स, जल्दी से आ जाइए सभी लोग और उसके जल्दी से हम उसके बाद भी अपना सेशन शुरू करेंगे। सबानाज आ चुके हैं। शिवानी सिंह, नमस्ते शिवानी। शिवानी जी नमस्ते। सबानाज, हेलो सबानाज। नमन मिश्रा कैसे हैं? बढ़िया हैं। अच्छा भैया, क्या बात है, लाइव नहीं दिख पा रहे लोग या फिर मैं लाइव नहीं जा पा रही हूँ क्या? ऐसे तो कोई इशू नहीं है, ऐसा इशू नहीं है, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, तो जल्दी से आ जाइए। आराध्या सिंह जी, आराध्या जी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके बढ़िया है, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, बस क्या बताऊँ आप लोगों को। देखते तो मैं इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया हो जाती हूँ कि मतलब जिसका कहते हैं ना, जवाब नहीं तो जवाब नहीं। चलिए भैया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है, भारत में स्वतंत्रता के बाद राज्यों का क्या क्या गठन हुआ। अभी हम देखिए, हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 1 से 4 तक। चलिए भैया, कुछ चीज़ें यहाँ पर हम लोग जल्दी से पहले देख लेंगे, ठीक है? जो कल पढ़ी उनको उन पर थोड़ा सा डिस्कस किया, थोड़ा सा देख लेंगे, मतलब चीज़ें वो नहीं है, चीज़ें अलग हैं। कल मैंने क्या क्या पढ़ा था, बस थोड़ा सा यहाँ पर मैं थोड़ा सा बस दर्शन कराना चाहूंगी जरूर, ठीक है? देखिए, कल जो हमने पढ़ा था मेरे बच्चे, आपको बताया हमने भाग एक देखा था संविधान का, जो भाग एक है, ठीक है? भाग एक को लेकर के हमने चर्चा करी थी और भाग एक में भी हमने जो चर्चा करी थी वो आर्टिकल एक पर करी थी, आर्टिकल एक पर। और हमने आर्टिकल 2 पर चर्चा करी थी, आर्टिकल हमने 3 पर चर्चा करी थी, आर्टिकल हमने ये 2 है 3 पर, और आर्टिकल 4 पर करी थी, यानी आर्टिकल 4 तक हमने चर्चा कर ली थी। जबकि हमने एक में देखा था भारत या फिर इंडिया राज्यों का संघ होगा, 2 में देखा था कि किसी भी नए राज्य का प्रवेश हो रहा है हमारे भारत में या कोई भी नया राज्य बनाया जा रहा है, गठित हो रहा है, उसकी चर्चा किसमें की जाएगी, अनुच्छेद 2 में की जाएगी। अनुच्छेद 3 में हमने ये बोला था भारत के ही अगर अंदर कोई भी उल्टा पलटी हो रही है, मतलब भारत के अंदर ही किसी राज्य सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है, तो हम आर्टिकल 3 को देखेंगे। आर्टिकल 4 में मैंने ये बात करी थी कि भैया 368 अनुच्छेद होता है, 368 क्या कहता है, संविधान संशोधन के बारे में बताता है। तो संविधान संशोधन नहीं होगा इनमें से, अनुच्छेद 2 में भी अनुच्छेद 3 में भी, दोनों में से किसी में भी हम संविधान संशोधन वगैरह नहीं करेंगे, है ना? जोगेंद्रा साहू जी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके प्रीति कुमारी साहू जी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके जोगेंद्रा, चलिए भैया ठीक है ना, इतनी बात तो हमने कर ली थी। चंद्र नाइक जी नमस्ते चंद्रा जी। ओके अब मैं कह रही हूँ कि आगे, आज हमने देखा था कि कल हमने कुछ राज्य देखे थे, कुछ प्रेसिडेंसियाँ देखी थी, कुछ राज्य बनाए थे, और आज हमें पता है कि जब हमारा भारत जो आज़ाद होकर के 1950 की बात करूँ, 1950 की, तो हमें ये पता है 552 हमारे पास प्रेसिडेंसियाँ थी। तो आज हम देखेंगे भारत में स्वतंत्रता के बाद नए राज्यों का गठन हुआ, कौन कौन से नए राज्य आए, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, ठीक है? चलिए भैया वेरी गुड, अब देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर चर्चा करते हैं 1948 की। यहाँ से प्रश्न आप लोगों के लिए बनता है कि इस राज्य का गठन कब हुआ है, ये प्रश्न बनता है इस राज्य का गठन कब हुआ है। तो 1948 में एस के धर एक आयोग बना, एक समिति बनी, एस के धर एक समिति बनी, उस आयोग या फिर एक समिति का आयोग का गठन किया गया था, जिसने अपनी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर लिया, उसको क्या बोला कि भैया हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसके लिए मना करा, और क्या कहा, और प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो अनुशंसा की थी, इस आयोग की सिफारिश को देश में विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप लोगों को पता है ये कब आया, 1948 में आया था। आपको पता है 1953 की मैं बात करूं, 1953 की, तो इसके बाद में एक राज्य बन भी गया था। राज्य क्या, कौन सा राज्य बना था आप लोगों को पता होगा, क्या नाम है उसका, आंध्र प्रदेश, ठीक है? आंध्र प्रदेश बना था 1953 में, 23 दिसंबर को बना था, है ना, 23 दिसंबर को। और ये जो भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य था, तो राज्यों ने ये वाली मांग भी कर ली थी कि भैया हमको भाषा के आधार पर अलग कर दीजिए, हम साथ में नहीं रह सकते, एक छत के नीचे हम नहीं रह सकते, हमें दिक्कत हो रही है। तो अब राज्य ने देखा यहाँ पर जो ये उसके बाद में जब एक कंक्लूजन निकला था 1956 में, 56 में जाकर के निकला था, 1956 में कमेटी बताई, उसने बोला कि भैया कभी भी राज्यों के आधार पर पुनर्गठन मत करना, संस्कृति भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर कभी भी राज्यों को अलग मत करना, वरना एक राज्य के 50-50 राज्य बन जाएंगे। बोले हाँ, वही प्रेसिडेंसी वाला हिसाब किताब हो जाएगा यार, कहाँ तक समेटेंगे इतने सारा रायता। बोले हाँ,
तो यहाँ पर एक पुनर्गठन आयोग बैठा था, एस के धर एक समिति बैठी, ठीक है, उसने भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन को अस्वीकार किया, उसके लिए मना कर दिया था, लेकिन प्रशासनिक आधार पर राज्य के पुनर्गठन की अनुशंसा करी गई थी कि भैया अगर प्रशासनिक आधार पर देखा जाए जनसंख्या ज़्यादा है, प्रशासन में जो है ढील आ रही है, तो क्या है ये चीज़ देखनी चाहिए। और उसके बाद ये भी बोला कि भैया प्रशासनिक आधार पर ये चीज़ें देखी गई और आयोग की सिफारिश निकल कर कही कि देश में इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हो रहा है, और विरोध हुआ भी था बहुत ज़्यादा, इसका सामना करना पड़ा था क्योंकि बहुत सारे राज्य बैठ गए थे किसको लेकर के कि भैया हमें जो क्या करना है अपने भाषा के आधार पर, हमें अपना जो राज्य अलग करना है। ये सारी चीज़ें चलती रहीं। अब आगे गए हम 1948 में, 1948 में जब हम गए तो इन्होंने 1948 में पंडित नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, पटेल साहब और नेहरू जी और पट्टाभी सीतारमैया, तीन व्यक्ति थे। अब तीनों व्यक्तियों का नाम इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। सबसे पहले तीन व्यक्ति थे, एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक थे वल्लभ भाई पटेल और दूसरे थे पट्टाभी सीतारमैया। इन तीन व्यक्तियों की अध्यक्षता में जो है इन्होंने बीजेपी समिति का एक गठन किया। क्या नाम था यहाँ पर? नाम था इसका जेबीपी समिति, जेबीपी। अच्छा, मैंने बीजेपी लगा दिया था, भैया बीजेपी नहीं होगा, भाजपा नहीं होने का, यहाँ पर जेबीपी, जेबीपी समिति का इन्होंने क्या काम करा, एक गठन करा। और जेबीपी समिति की जो है, इस समिति ने जो है भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्निर्माण को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने बोला कि भैया भाषा के आधार पर एक समिति पहले बन चुकी है 1948 में, जिसका नाम क्या था, एस के धर समिति या एस के धर आयोग। उसने भी राज्यों के आधार को जो है देखा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता। दूसरी समिति बनी, पंडित नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और यहाँ पट्टाभी सीतारमैया, तीनों व्यक्ति बैठे। अब एक समिति बनी, इन्होंने भी क्या निर्णय निकाला कि भैया भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का अलग करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, फिर उसके बाद में संभालना मुश्किल होगा। तो इस चीज़ को इन्होंने क्या काम करा, इसके लिए मना कर दिया, इसको अस्वीकार करा। चलिए, दो समिति बनी है, दोनों का नाम याद रखना। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब आगे बात चल रही थी मद्रास में। देखिए, आपको पता है मद्रास में तमिल व तेलुगु भाषाइयों के बीच विवाद दिख रहा था, और जब तेलुगु भाषाई वाले जो लोग थे, जो तेलुगु भाषा बोल रहे थे, तेलुगु भाषाई भाषाएं आधार पर एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, बोले भैया देखो बातें सीधी सीधी, यहाँ मद्रास वाला जो क्षेत्र है आपका, मैं बात करूँ गुजरात के आसपास जो गुजरात वाला है, ठीक है, गुजरात का इधर साइड वाला एरिया थोड़ा सा, और जो एमपी का नीचे वाला एरिया इधर, ऐसे सारे को इसको मद्रास बोला जाता था, काफ़ी बड़ा एक क्षेत्र माना जाता था, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर मैं बात करूँ जो तमिलनाडु वाला है, ठीक है, कर्नाटका के हिस्से इसमें आ जाता था, तो बोले कि भैया ये जो है, ये जो तमिलनाडु वाले जो लोग थे तेलुगु वाले, वो बोल रहे थे यहाँ से, किन से भैया, एमपी वालों से यहाँ से, कि भैया यार एक बात देखो भाई, हमें तुम्हारी भाषा समझ नहीं आती है। बोले तो फिर क्या हो भैया, हमें जो ना एक अलग ही राज्य बनवा दो। तो ये जो मांग कर रहे थे कि भैया हमें जो भाषा के आधार पर दूसरा राज्य बनाना है, इसी दौरान एक तेलुगु भाषाई, क्या नाम था उनका, पेट्टू, मैंने कल बताया था पेट्टू श्री रामलू, तो मैंने रामलू बताया था इनका नाम, तो पेट्टू श्री रामलू जो थे, ये जो थे 56 दिन की जो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, कल मुझे याद नहीं आ रहा था 56 दिन की पर बैठे थे कितने, ये 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए और उसके बाद इनकी होगी मृत्यु। और अंत में 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया, 1953 में, कब, 23 दिसंबर, ठीक है, 1953 को भैया, अब आपका जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश बना दिया गया। अब मुझे बताएंगे ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, पहली बात तो मद्रास जो है, देखिए मद्रास वाला जो एरिया है ये तमिलनाडु और मैं बात करूँ जो आंध्र प्रदेश है, ये बीच वाले एरियाज में से निकाल करके बनाया। तो यहाँ पर भैया पहले तो देखिए 1948 में दो आयोग बैठाए, दोनों आयोग ने बोला कि भैया गलत करोगे आप, भाषा के आधार पर अगर इसका विभाजन करोगे तो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई थी कि लोग अड़ गए, एकदम से जनता अड़ गई, वहाँ की जनता ने कहा कि भैया जब हमें चीज़ें ही समझ नहीं आ रही तो हम किस तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, समझ पा रहे हैं, बोले हम कैसे कर पाएंगे। तो बोले भैया करना क्या है, कि करना वरना कुछ नहीं है यार, ये जो है तुम जो ये क्या बोलते हैं, जो ये तेलुगु वेलुगु भाषा का हिसाब है इसको क्लियर कर दो, हमें समझ नहीं आती, हमें कन्नड़ समझ नहीं आ रही है, हमें तेलुगु समझ नहीं आ रही है, हमें कर्नाटक वाली मलयालम समझ नहीं आ रही है, आप एक काम करो भैया, आप इसको अलग कर दीजिए और हमें अलग कर दीजिए, क्षेत्र भी बहुत बड़ा वाला था। तो इन्होंने भाषा के आधार पर इस राज्य को अलग करा। अब उसके बाद जो है आपने देखा होगा, एक इंटरपास बालक को नौकरी मिल जाए तो सब इंटरपास क्या कहेंगे, हमें भी नौकरी दो, आपने उसको क्यों दी, कहते ना कि या तो ना खान देंगे ना खाने देंगे, वही वाला हिसाब किताब यहाँ पे क्रिएट हो गया।
अब यहाँ पर जो है जैसे ही चंद्र नायक की जॉब लगी उसके तुरंत बाद यहाँ पर जोगेंद्रा भी, प्रीति भी और शिवानी भी, ये सब लोग कहने लगे कि भैया अच्छा उनको फ्री में दे दिया मैम आपने सारा मटेरियल सारी पीडीएफ, मैम आपने उन्हें क्यों दी हमें भी दीजिए, आपने उन्हें क्यों दी हमें भी दीजिए। भाई मैं आई चक्कर में मैंने फिर क्या काम करा, मैंने तुरंत एक एक रूल निकाल दिया, मैंने कहा भैया नियम निकल रहा है, एक नियम ये है कि जो भी अब पीडीएफ लेगा आगे के लिए, जो भी पीडीएफ लेगा ठीक है, जो भी पीडीएफ लेगा वो क्या काम करेगा, पीडीएफ लेने से पहले वो क्या काम करेगा, पहले तो मुझे जो है 14 दिन पहले बता देगा ठीक है, और उसके बाद में इसका एक रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें फीस जाएगी आपकी 50 रुपये ठीक है। मैम इतनी कम, अरे हाँ बहुत कम। तो मतलब क्या है यहाँ पर रूल निकाल दिया कि भैया, और दूसरी बात क्या है देखिए, कोई भी डायरेक्ट पीडीएफ नहीं लेगा, जैसे मैंने अभी चंद्रा को दे दी, अब मैं ऐसे किसी को पीडीएफ नहीं दूंगी। बोले ये क्या मतलब होगा, मैंने कहा जो हो गया बट आगे नहीं होगा ठीक है, मतलब इसके लिए एक रूल निकाल दिया। हाँ सभा सभा, अच्छा नमन भी पीछे रह गए, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे शिवानी, ना जियेंगे मैम ना जीने देंगे। तो यही वाली चीज हुई। अब आंध्र प्रदेश का, जब यहाँ पर आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हो गया तो बाकी राज्य देखते हैं, बाकी राज्य देखिए आपको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश जो इसके गठन के बाद अनेक नए राज्यों की मांग उठने लगी और इसके निवारण के लिए 1953 में एक फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और 30 दिसंबर 1955 को इस आयोग ने अपनी सिफारिश सरकार को सौंप दी और इसने कहा था कि भैया अब देखिए आगे, इसने कहा था कि भैया संस्कृति के आधार पर, यानी कि संस्कृति के आधार पर और भाषा के आधार पर, इन दोनों में से किसी के आधार पर भी किसी भी राज्य का जो है पुनर्गठन नहीं होगा, राज्य पुनर्गठन नहीं होगा, ये वाली बात इसने बोल दी। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, आंध्र प्रदेश तो राज्य बन चुका है, आंध्र प्रदेश तो भैया एक राज्य जो यहाँ पर बन चुका, सही है भैया आंध्र प्रदेश बन चुका। आंध्र प्रदेश के बनने के बाद बाकी राज्यों ने क्या काम करा, अच्छा भैया आंध्र प्रदेश को मिल गई मिठाई, हमें तो मिली नहीं, तो आंध्र प्रदेश के बनने के बाद इन लोगों ने क्या काम करा, बोले धीरे धीरे कि भैया आंध्र प्रदेश बन चुका है, अब हमें भी जो है भैया अपना जो है कहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे बाकी जो राज्यों ने मांग करी। अब इस मांग को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या काम करा, गवर्नमेंट कह रही कि भैया अभी तो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, अभी तो उसका जो चीजें दबी नहीं है, एक काम करते हैं भाई कुछ ना कुछ तो बना ही दीजिए। तो यहाँ पर तीन चार व्यक्ति को पकड़ा, तीन चार व्यक्ति को पकड़ने के बाद में उनमें से एक अध्यक्ष बनाए ठीक है, जिनका नाम था फजल अली, और उस जो तीन चार व्यक्तियों को बैठा के कमेटी बनाई थी, समिति बनाई थी, उसका नाम रखा यहाँ पर फजल अली आयोग ठीक है। फजल अली आयोग या फजल अली आयोग की अध्यक्षता में जो है पहला पुनर्गठन राज्य आयोग बनाया। अब इसने जो है सोच विचार करा, इसको टाइम दिया जो भी था, इसने देखा और वाला सोच विचार करने के बाद में इसने जो अपना जो सोच विचार करने के बाद में जो पेपर पे चीजें नोट करी वो रख दी भैया संसद के सामने, संसद के सामने रखी, संसद के सामने रखी इन्होंने 30 दिसंबर 1955 को। जब 30 दिसंबर 1955 को ये जो है सिफारिश रख दी और इन्होंने जो है यहाँ पर जो अपनी चीजें जिन पर कंक्लूजन जितना भी निकाला, तो उन्होंने बोला कि भैया लो हमने तो ये सोचा है कि भैया क्या सोचा है, हमने ये सोचा है क्या सोचा है कि पहली बात संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। बोले अच्छा और कुछ सोचा है कि हाँ चलिए सोचा ये है कि जो आपने भाग बांट रखे हैं 552 प्रेसिडेंसियों को तुमने बांट रखा है ए में ग्रुप में, या फिर मैं बात करूं यहाँ पर वर्ग में है ना, तो भैया ए में, ए में, बी में, सी में और डी में, तो एबीसीडी में जो आपने एबीसीडी में जो बांट रखा है ग्रुपों समूह में, इसको समाप्त कर दिया जाए। अब ये इंपोर्टेंट फैक्ट है आपका, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये इंपोर्टेंट फैक्ट है कि भैया जो हमने प्रेसिडेंसियों को, जो हमने रियासतों को समूह में बांटा था, उन समूहों को कब समाप्त किया गया, तो भैया फजल अली आयोग की एक सिफारिश आई थी उसके द्वारा समाप्त किया गया था, कब 1955 में ठीक है, 1955 में फजल अली आयोग के द्वारा, ये आपको आंसर जो है याद रखना है। पहले तो इसको समाप्त करा, बोले ये जो इतना बड़ा रायता सा फैला रखा है, इतने सारे राज्य वाज्य, ये 552 के बावन बना रखे, इसको खत्म करो, पहली चीज यहाँ से कैंसिल आउट हुई। दूसरी चीज क्यों हुई नेक्स्ट, उन्होंने क्या काम करा, देखिए 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। बोले 16 राज्य बनाओ, कल मैंने आपको 14 राज्य बताए थे है ना, अच्छा मैम दो कहाँ से बढ़ गए अभी बताऊंगी, अच्छा जो दो मैंने कल आपको दो क्या बताई थी, दो प्रेसिडेंट सॉरी यूनियन टेरिटरी बताई थी, तो दो यूनियन टेरिटरी किसमें आ गई, राज्यों में ठीक है, दो
तो बोले कि भैया जो अपने 16 राज्य हैं इनको बनाओ, पहले तो इनमें से निकाल करके 552 रियासतों में से निकाल करके 16 राज्य बनाओ और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाओ। बोले ठीक है भैया। ये भी किसके आधार पर हुआ था? 16 राज्य में 3 केंद्र शासित प्रदेशों का जो निर्माण हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में या फिर किसकी सिफारिश के अनुसार हुआ था? तो फजल अली आयोग की सिफारिश के अनुसार 1955 में हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे आते तीसरे नंबर, पहली बात कंप्लीट, दूसरी बात, तीसरी बात क्या थी? बोले भाषाई आधार पर किसी राज्य का गठन ना किया जाए। बोले ये क्या मतलब? हाँ, सबसे बढ़िया तो यूनियन टेरिटरियां, सबसे बढ़िया बात तो यही है कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का पुनर्गठन होना ही नहीं चाहिए। बोले क्यों? अगर करा तो बाकी राज्य भी बोलेंगे। ठीक है, बोले ठीक है भैया, ये इतनी सिफारिश रखी। नेक्स्ट भैया आगे चलते हैं, ये काम हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? देखिए, सरकार ने जो है यहाँ पर 14 राज्य में 5 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया और उसके पश्चात अनेक राज्यों का गठन वर्तमान में जो है 29 राज्य हो रहे। तो वर्तमान में कितने? 28 राज्य। अच्छा भैया, अच्छा अभी मुझे वर्तमान में बताएंगे कितने राज्य, कौन सी यूनियन टेरिटरी है। एक भैया जम्मू एंड कश्मीर जो था, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ये तो अलग हो गया है ना, पहले जम्मू एंड कश्मीर, अब इसको क्या बनाया गया? यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया। यूनियन टेरिटरी में आप लोगों को पता है, और लद्दाख भी यूनियन बन गया इसमें से, है ना, दो तो यहाँ से निकल गए। और जो दादर नागर हवेली था और दमन द्वीप था उनको एक कर दिया, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो भैया ये वाली जो यहाँ पर ये वाला जो ब्यौरा था इन्होंने दे दिया। बोले भैया ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी वर्तमान में 28 स्टेट हैं और हमारे पास कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? यूनियन टेरिटरी कितनी है? 7 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पर दो बनाई गई है ना, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख बनाई गई है। अगर दमन द्वीप को एक करा गया है, लक्षद्वीप इसको, तो यहाँ पर क्या है मेरे बच्चा, वैसे भी हमारे पास यूनियन टेरिटरी कितनी रही है हमारे पास? ओके भैया कितनी है जरा गिन लो, बढ़िया से गिन के बताइए मुझे। हाँ चलिए भैया, अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या। बोले वर्तमान में तो इतने, तो यहाँ पर जो है ये वाली कंडीशन क्रिएट कर दी। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखिए पहले बात करते हैं 1 मई 1960 की। 1 मई 1960, अब यहाँ पर सबसे पहले देखो, सबसे पहले मुंबई महाराष्ट्र जिसकी राजधानी है और गुजरात, ठीक है, इसको बना दिया गया सबसे पहले। आप लोगों को मैं बताऊँ यहाँ पर भैया क्या बोले कि भैया यार मुंबई काफी बड़ा क्षेत्र है। बोले हाँ भाई, तो जिसकी राजधानी क्या है यहाँ पर? महाराष्ट्र। गुजरात से काट करके मुंबई को बना दिया गया, मुंबई अलग एक, मैं बात करूं यहाँ पर जो है मुंबई एक अलग राज्य बनाया, किससे काट करके? गुजरात से काट करके बना दिया। बोले भैया इसको अलग करो, क्या ये भाषा के आधार पर था? नहीं नहीं, भाषा के आधार पर नहीं था। किसके आधार पर था? संस्कृति? नहीं भैया, जनसंख्या इतनी ज्यादा हो रही थी, संभाली नहीं जा रही थी, तो यहाँ पर अलग बना दिया गुजरात। ठीक है, तो गुजरात और मैं बात करूँ गुजरात और मुंबई कब अलग हुए भैया? 1960 में। ठीक है, पहली चीज हमारी कंप्लीट। दूसरी, 1 दिसंबर 1963 की बात है, 1 दिसंबर 1963 को 28 राज्य होंगे और यहां पर, हाँ 28 राज्य होंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर हट चुका है। मैंने भी आप लोगों को क्या बताया, 28 राज्य होंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर हट चुका है। हाँ जी बिल्कुल, 28 राज्य होंगे और 8 आपके पास यहाँ पर यूनियन टेरिटरी होंगी, 9 राज्य नहीं होंगे। नमन कहाँ हो आप? अभी मैंने यहाँ पर क्या चीज समझाई, जम्मू एंड कश्मीर जो था अलग हो गया, जम्मू अपने आप में, जम्मू कश्मीर क्या बना? कश्मीर अपने आप में यूनियन टेरिटरी बना है, लद्दाख अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी बना है कि नहीं बना है? और जहाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब आई ना बात समझ में? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे और 28 राज्य होंगे अब, ठीक है वर्तमान में। अब यहाँ पर मैं बात कर रही थी दिसंबर, 1 दिसंबर 1963 की बात करूं तो असम से अलग होकर के नागालैंड का गठन किया गया। अब देखिए असम वाला एरिया इतना बड़ा हो गया था, अब असम वाले एरिया को इन्होंने हटा दिया क्योंकि बहुत नीचे तक आ रहा था। बोले भैया नागालैंड का अलग, अब असम को काट करके 1963 में असम को, असम से नागालैंड निकाल दिया। बोले भैया ठीक है। 1 नवंबर 1966 को, अब यहाँ पर देख लेंगे इंपॉर्टेंट है किसकी स्थापना कब हुई है, कहाँ से कट करके हुई है, 1966 में, उसके 3 साल बाद। देखिए यहाँ पर 3-3 साल का गैप चल रहा है, 3 साल का, पहले 1960 में महाराष्ट्र गुजरात, 1963 में असम से अलग हुआ नागालैंड, 1966 में पंजाब, ठीक है पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश बना यहाँ पर, चंडीगढ़ पंजाब से अलग हुई है, हरियाणा अलग हो गया और पंजाब अलग हो गया, हुए पंजाब से हैं तीनों अलग,
हुए पंजाब से हैं, तीनों अलग पंजाब से हुए, पंजाब में से हरियाणा निकल गया एक साइड, एक राज्य, दूसरा यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ निकल गया, ठीक है 1966 में। चलिए भैया सबसे पहले हम कहाँ गए थे, महाराष्ट्र मुंबई, सबसे पहले हम कहाँ गए मुंबई, उसके बाद में मेरे बच्चे हम कहाँ गए नागालैंड या मैं बात करूँ असम, ठीक है उसके बाद हम कहाँ गए पंजाब, ठीक है दो जगह घूम चुके हैं, बहुत बढ़िया। अंडमान चंडीगढ़ दादर नगर हवेली जम्मू कश्मीर लक्षद्वीप लद्दाख पुदुचेरी, अरे वाह क्या बात है भैया, ये रहे यूनियन टेरिटरी। और बताओ किसी को चाहिए तो कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया आगे चलते हैं। आगे 25 जनवरी 1931, चलिए भैया हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 25 जनवरी 1931 को, 21 जनवरी 1972 मेघालय और मणिपुर और त्रिपुरा का गठन हुआ, ठीक है मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा का गठन कब हुआ है 21 जनवरी 1972 को। आगे भैया इसी समय अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम को जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अच्छा अरुणाचल प्रदेश को, और देखिए यहाँ पर देखिए एक मिनट समझने वाली बात है, क्योंकि ये जो है इनको यहाँ पर किसका दर्जा दिया गया था मेरे बच्चे, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था उस टाइम पर, किसको अरुणाचल प्रदेश को और मिजोरम को, इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। लेकिन अब आगे बात करते 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम का गठन किया, सिक्किम बनाया हमने 26 अप्रैल 1975 को। अब देखिए पहली बात मैं बात करूं, जब 26 इसको जो है गठन किया था तो सिक्किम हमारे पास पहले से था नहीं, पहली बात हमने सिक्किम को गोद लिया है, अडॉप्ट किया है। सिक्किम जो है हमारे पास कब आया 26 अप्रैल 1975 को आया, 1975 को हमने क्या काम करा था अनुच्छेद 2 के द्वारा इसका, देखिए ये इनमें सब में आर्टिकल 3 का प्रयोग हुआ है, इसमें भी अनुच्छेद 3 का प्रयोग हुआ है, अनुच्छेद इसमें 2 का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये बाहर का एरियाज था, हमने बाद में अपने भारत के क्षेत्र में इसको लिया है। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम का गठन किया गया। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम का गठन किया गया राज्य के रूप में, यहाँ पर जो किया गया था यहाँ किया गया था यूनियन टेरिटरी के रूप में, कब किया गया था यूनियन टेरिटरी के रूप में किया गया था आपका कब 21 जनवरी 1972 को, 21 जनवरी ठीक है 1972 को यूनियन टेरिटरी बना था अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। लेकिन मैं बात करूं यहां पर 87 में क्या हुआ था, 20 फरवरी 87 की मैं बात करूं तो चलिए भैया क्या हुआ था यहां पर, देखिए इसमें क्या हुआ था यहां पर, ये जो था आपका 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश में मिजोरम का गठन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट भैया अब मैं बात करती हूँ 30 मई 1987 को, 30 मई 1987 को मैं बात करूं गोवा का गठन किया गया, किसका गोवा का गठन किया गया, बहुत बढ़िया वेरी गुड, ठीक है चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट भैया अब हम देखते हैं 2000 में कौन कौन से राज्य बने, सन 2000 में किन किन राज्यों का गठन किया गया, 2000 में किन किन राज्यों का गठन किया गया देख लेते हैं एक बार, एक मिनट भाई हेलो सर मैं अभी क्लास में, बाद में कॉल करूँ आपको, ओके सॉरी सर, ठीक है चलिए भाई। तो देखिए यहाँ पर आगे बात करते हैं, इसमें मैं बात करती हूँ 2000 में हमने किन किन का निर्माण किया, चलिए भैया सन 2000 में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं 1 नवंबर छत्तीसगढ़, ठीक है छत्तीसगढ़ भैया जो मध्य प्रदेश से अलग होकर के हमने बनाया था, इंपॉर्टेंट है 2000 में हमने 3 राज्यों को अडॉप्ट किया, एक बार देख लेंगे, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लिटिल सिस्टर सेवन सिस्टर, अब सारा एक मैप बनाऊंगी मैं, मैप से सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे कि कहां पर कौन सा राज्य है और कहां कहां किसकी सीमा है। अब यहां पर देखिए 20 में बात करती हूँ 2000 की, ठीक है 2000 की, सन 2000 में 1 नवंबर को जो छत्तीसगढ़ हमने बना दिया मध्य प्रदेश से काट के, मध्य प्रदेश से हमने छत्तीसगढ़ को काटा, और कब हुआ छत्तीसगढ़ का गठन हमने कब दिया आपका 1 नवंबर को सन 2000 में, 9 नवंबर को हमने क्या काम करा उसके 8 दिन बाद ही हमने 8 दिन बाद ही 9 नवंबर को हमने उत्तराखंड बना दिया 2000 में, किससे उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा एरिया हो रहा था, हमने करा यार इसको भी अलग करो, बहुत सारी जनसंख्या बहुत सारा बहुत बड़ा एरिया हो रहा, हमने इसको 9 नवंबर से हमने क्या काम करा उत्तराखंड को काट के अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चे मैं बात करूं 15 नवंबर की, 15 नवंबर को हमने क्या काम करा झारखंड वाला जो एरिया बनाया हमने बिहार से निकाल दिया, बिहार का एरिया थोड़ा सा काटा जनसंख्या को देख करके, वहां की पॉपुलेशन को देख करके हमने क्या काम करा झारखंड को एक अलग राज्य बना दिया, झारखंड का गठन करा हमने कब 15 नवंबर को, ठीक है
वेरी गुड। अभी मुझे बताएंगे आपको दो जो हमने यहाँ पर सन 2000 में जो है हमने जितने भी सन 2000 में हमने जितने भी राज्यों का गठन कराया, मात्र तीन राज्यों का गठन कराया है, छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड का, झारखंड का। किससे निकाल करके कराया आपको पता चल गया? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकाला, उत्तराखंड हमने उत्तर प्रदेश से निकाला, झारखंड हमने बिहार से निकाला। क्यों भैया? क्योंकि हम वहीं से तो राज्य का गठन या राज्य को वहीं से तो निकालेंगे जहां पर दूसरा राज्य है ना। चलिए वेरी गुड, क्लियर है, एक बार क्लियर लिख दिया करो भैया, मुझे भी पता चल जाएगा। अब देखिए 2 जून 2014 की बात करें, 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 29वां राज्य बनाया हमने, ठीक है। अब देखिए तेलंगाना का गठन आपको पता है हमने कब करा था? 2 जून 2014 को, ठीक है, बहुत बढ़िया, 29वां राज्य। अब आपके लिए एक भैया आपके लिए एक काम है, जल्दी से यहाँ पर देख लेंगे और मुझे बता देंगे, प्लीज कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। आप मुझे बता देंगे कि भैया जम्मू कश्मीर जो है आपका, जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, हमने इसको यूनियन टेरिटरी कब बनाया, इसको यूटी कब बनाया, जम्मू कश्मीर को, एक लद्दाख को हमने लद्दाख को यूटी कब बनाया, बस ये है मेरा कहना और कुछ भी नहीं है। जल्दी से मुझे भैया कमेंट कर दो एक बार, शिवानी जी जल्दी कमेंट कर दीजिए। अब आगे की तरफ चलते हैं, ओके, आगे बात करते हैं। देखिए फ्रांसीसियो का कहना, देखिए फ्रांसीसियो का भारत में यहाँ पर माहे एक क्षेत्र पड़ता है केरल, ठीक है, माहे यानी कि केरल, पौंडीचेरी तमिलनाडु यानी कि करावाला, जो कराईकल वाला एरिया जो तमिलनाडु में पड़ता है, और एक यरम पड़ता है आंध्र प्रदेश, और चंद्रनगर यानी कि पश्चिम बंगाल में, इन पर अधिकार था ये जो मैंने क्षेत्र बताए अभी, ठीक है। पौंडीचेरी का जो तमिलनाडु में पड़ता है, केरल में पड़ता है माहे, और एक कराईकल पड़ता है तमिलनाडु में, यरम पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और चंद्रनगर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। इन पर अधिकार किनका था मेरे बच्चा? फ्रांसीसियो का था। आप लोगों को पता होगा कि जो गोवा वाला एरिया, गोवा से ऊपर वाला एरिया, उसमें आज तक, गोवा पे बात करिए, गोवा पे आज लगभग बहुत लंबे समय तक 1956 तक लगभग किसका राज रहा था भैया, किसका रहा था? मैं बात करूं तो जो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए, बोलो कौन थे भैया? पुर्तगाली, ठीक है, तो पुर्तगालियों का राज रहा था। लेकिन इन जो मैंने ये वाले क्षेत्र लिए हैं, ठीक है, इन पर किसका राज रहा है? इनका पर है फ्रांसीसियो का। 1956 में फ्रांसीसियो द्वारा यह भारतीयों को दे दिए गए थे, और हमने चंद्रनगर को पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया, और माहे को पौंडीचेरी में, और जो कराईकल वाला है उसको हमने किसमें, यहाँ पर पौंडीचेरी और कराईकल और यनम को पौंडीचेरी के रूप में इन सभी को ले लिया हमने, ठीक है। चलिए भैया बहुत बढ़िया। अब केंद्र शासित प्रदेश को दर्जा इसको दे दिया जो हमने यनम लिया था। देखिए जो हमने माहे लिया था, माहे लिया, पौंडीचेरी लिया, कराईकल, यनम, सबको इसको पौंडीचेरी में मिला दिया, यानी कि माहे को, कराईकल को, इनको और उस यनम को हमने फिर इसके बाद में क्या करा, इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया पौंडीचेरी, ठीक है। चलिए भैया बहुत बढ़िया, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आगे दादर नागर हवेली की बात करते हैं। देखिए दादर नागर हवेली क्या करा हमने इसके साथ, दादर नागर हवेली की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र जो है, दमन व द्वीप, गुजरात वाला जो, गोवा और पुर्तगालियों के नियंत्रण में था, ठीक है। 1961 में हमने इसको जो है युद्ध के माध्यम, हमने इसमें युद्ध करा, यानी कि हमने इसमें जो शक्ति अपनाई और उसमें हमने युद्ध के माध्यम से यह क्षेत्र हमने पुर्तगालियों से छीना, और छीने के बाद में हमने क्या काम करा, यानी कि ले गए दादर नगर हवेली व दमन द्वीप को जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, हमने इसको भी दे दिया, ठीक है। अब हमने इसको भी यूटी बना लिया। चलिए भैया आगे चलते हैं, 1961 में ये भी हमारे पास आ गया, तो लगभग सब कुछ हमारा हो चुका है। आज हमारी क्लास आधे घंटे की रहेगी क्या? अरे वाह, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया एक बार देख लेंगे, रिपीट कर लेंगे जल्दी से, आप किसी का डाउट है तो मुझे बता देंगे। भारत में स्वतंत्रता के बाद राज्यों का गठन जो हुआ कुछ इस प्रकार हुआ, 1948 में एसधर आयोग हमने गठन किया, उसने हमसे ये बोला कि भैया जो है आपको भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं करना है, हमने कहा ठीक है। उसके बाद फिर एक 1948 में भैया तीन लोग थे, पंडित नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने भी कहा, इन्होंने जेबीपी समिति का गठन किया, और जेबीपी समिति ने हमें यह बताया कि भैया आपको जो है राज्यों का गठन किसी भी प्रकार में, किसी भी हाल में अपनी भाषा के आधार पर नहीं करना है, हमने कहा ठीक है। उसके बाद में जो है मद्रास जो और तेलुगु, इनमें दोनों में लड़ाई चल रही थी। लड़ाई क्या थी, मतलब मतभेद था कि यार हमें जो अलग होना है, हमें इनके साथ नहीं रहना, तमिल के साथ में हमें नहीं रहना, क्योंकि हमें इनकी भाषा ही समझ नहीं आती। तो बोले भैया ठीक है, और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम दूसरा कोई भी राज्य नहीं बना सकते, और भाषा के आधार पर आप बात करो कि हमें इनकी भाषा समझ नहीं आती है वो, तो भैया अगर हमने ऐसा करा तो हम आर्टिकल 17 का भी उल्लंघन करेंगे, हम तो और चीजों को बांट रहे हैं ना, बंटवारा कर रहे हैं। तो बोले भैया ये काम नहीं कर सकते। जब यहाँ पर एक व्यक्ति बैठ गया भूख हड़ताल पर, ठीक है, तेलुगु का था वो व्यक्ति जो था,
वो पट्टा यहाँ पर जो पेटू श्री रामलू और भैया 56 दिन बाद इनकी मृत्यु होगी और काफी और उसके बाद भूख हड़ताल के बाद जो यहाँ पर धनाके के साथ जनता ने जो यहाँ पर विरोध किया तो उसके बाद में 1953 को हमने आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। इसके करते के बाद ही तुरंत बहुत सारे राज्यों में मांग उठी कि भैया आपने उसको तो कर दिया अलग, हमें भी करिए, हम क्यों ऐसे रहेंगे। तो भैया उसके बाद हमने तुरंत से एक नियम निकाला और नियम क्या, हमने पहले 3-4 व्यक्ति बैठाया हमने, ठीक है, और व्यक्ति को बैठाने के बाद में हमने एक फजल अली आयोग बनाया जिसके अध्यक्ष फजल अली थे, मतलब 3-4 लोग बैठाए, कमेटी बनाई, कमेटी बनाने के बाद में उसके हमने अध्यक्ष रखे फजल अली, उसका नाम भी फजल अली आयोग ही रखा गया था। अब इसने क्या काम करा, इसने 30 दिसंबर 1955 को जो है हमने इससे जो जवाब मांगा था, इसने हमें जवाब दिया 30 दिसंबर 1955 को कि भैया जो चीज आप हमसे ले रहे थे हम आपको बताए, आपने हमसे पूछा क्या था और हम आपको बताना चाह रहे हैं। हमने कहा बताओ भैया। इन्होंने अपना जो जवाब हमें लिखित रूप में दे दिया, बोले भाई एक काम करो, आप सबसे पहले तो जो आपने 4 वर्गों में राज्यों को बांटा है ABCD में, पहले तो इन्हें डिलीट करो। बोले क्यों, ये रायता सा फैला रखा है ABCD। एक काम करो, सीधी सीधी यूनियन टेरिटरी बनाओ और अपने राज्य बनाओ। तब हमने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। उसके बाद में इन्होंने हमसे कहा कि भैया ठीक है, हमने कहा ठीक है ये भी बना दिए। अब उसके बाद में उनका भाषा के आधार पर और एक संस्कृति के आधार पर कभी भी किसी भी राज्य का गठन नहीं होगा। हमने कहा हाँ ये वाली बात दी, हमने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद क्या हुआ, देखिए सरकार ने 14 राज्य में 5 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया, बहुत बढ़िया बात है। अब वर्तमान की मैं बात करूं तो 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। चलिए भैया, अब 1 मई 1960 को मुंबई का गठन हुआ, ठीक है, महाराज जिसकी कैपिटल गुजरात से कटके। 1 दिसंबर 1963 को असम हुआ, असम अलग हो गया, देखिए असम से अलग होकर के नागालैंड बाहर आ गया, नागालैंड बन गया। और उसके बाद में क्या काम करा, 1 नवंबर 1966 को पंजाब से निकला हरियाणा और चंडीगढ़, हरियाणा तो एक राज्य बना, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बन गया। उसके बाद क्या हुआ, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश बन गया। उसके बाद में 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन तीनों का गठन हुआ, ठीक है। उसके बाद में इसी समय आपको पता 1972 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये दोनों जो थे यूनियन टेरिटरी थे। लेकिन उसके तो कुछ दिन बाद क्या होता है, 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम का गठन हुआ और उसके 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो थे जो 1972 में यूनियन टेरिटरी थे वो स्टेट बनाए गए, राज्यों का दर्जा दिया उन्हें, उनका राज्य में गठन हुआ। 30 मई 1987 को गोवा का गठन किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या काम हुआ, उसके बाद 2000 में छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना और झारखंड बना, ठीक है। 1 नवंबर को जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ बना, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। 9 नवंबर को उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। 15 नवंबर को झारखंड बना, बिहार से अलग हो करके, ठीक है, 3 राज्य बन गए 2000 में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना बन गया हमारा, कब बना मेरे बच्चा, 29वां राज्य बना था ये हमारा, और कब बना था, 2 जून 2014 को, बहुत बढ़िया। चलिए भैया, तो ये चीजें थी आपकी, ठीक है, तो PDF आपको इसका मिल जाएगा। अब मुझे बताएंगे कितने बच्चों का डाउट है, कहाँ कहाँ कोई प्रश्न है तो जल्दी मुझे बता देंगे। आज क्लास लगभग आपकी 30 मिनट की रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कल आपके मौलिक अधिकार होंगे, ठीक है। हाँ आज ही कराने थे लेकिन फिर ये चीजें रह जाती और आपके राज्य पुनर्गठन में जो चीजें रह जाती मैंने इसलिए मुझे ये जोड़ना पड़ा। हाँ बहुत बढ़िया, किसी का कोई प्रश्न है, मुझे नहीं लगता है ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो माय डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, ओके बाय बाय, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत खास चीजें थी। कल देखेंगे हम मौलिक अधिकार, कल हम पहले देखेंगे नागरिकता, ठीक है, तो मे बी कल आपका नागरिकता कंप्लीट हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगी कि कल ही आपका नागरिकता वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।